अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हम सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज था जी अनदर लॉन्ड्री डे और आज मैंने कपड़े वॉश करने थे। तो सुबह जब मैंने मशीन लगाई तो हुआ क्या कि हमारी तो पहले लाइट जाती है 10 बजे जाती है, तो 10 बजे जब लाइट आई तो मैंने मशीन लगाने के लिए कपड़े वगैरह इकट्ठे किए। जब तो पानी मैंने मशीन में डाला तो पानी ठंडा था, मतलब गीज़र बंद था और मुझे पता ही नहीं था। तो सारा जो टाइम था ना मेरा वो वेस्ट हो गया। फिर मैं नीचे जाके मैंने उसको गीज़र ऑन किया तो फिर जाके थोड़ा सा गर्म हुआ। तो तब तक मैंने कहा चलो मैं खाना बना लेती हूँ, जब तक कि गर्म पानी होगा। तो फिर तब तक मैंने खाना बना लिया और साथ साथ मैंने फिर वॉशिंग शुरू कर दी थी जब पानी गर्म हुआ। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाई थी बहुत ही मज़ेदार सा और क्विक सी पालक चिकन की रेसिपी, और रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उसी बिल्कुल मेथड से मैंने बनाया है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट लिया है 1.5 किलो चिकन। तो मैंने यहाँ पे प्याज को ना अच्छा सा ब्राउन कर लिया हुआ था, इसमें मैंने डाल दिए चिकन। अच्छा, मैं बना रही हूँ जल्दी से क्योंकि मैंने साथ वॉशिंग भी करनी थी, तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ कि जहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा कमी लगेगी तो मैं प्रेशर कुकर में ना इसको बंद करके चला लूँगी तो जल्दी गल जाएगा चिकन। तो अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है और चिकन भी ऐड कर दिया है। मैं इसकी अच्छी से बुनाई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए आइजर आ गई है किचन में और अब इसको कैमरा नज़र आ रहा था तो ये आपको हाई बोल रही है और इसको साथ ना पोनी इसकी ज़बरदस्ती बन गई है जो इसको बहुत इरिटेट कर रही है। ये पोनी बिल्कुल नहीं बनवाती है और ये उतार रही है अपनी पोनी और मुझे भी कह रही है कि इसको उतार दो, और फाइनली वो उतार के अपनी पोनी फेंक गई थी किचन में। तो अब यहाँ पे जो है ना मैंने इसकी अच्छी सी कर ली बनाई। आपने इसका कलर चेंज करने तक इसको भूनना है। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप टमाटोज ऐड कर दिए थे और रूटीन के मसाले मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून इसमें हल्दी मैंने ऐड की है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने इसी पॉइंट पे इसमें ज़ीरा भी ऐड किया है। उसके बाद मैंने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है थोड़ी देर टमाटर के साथ, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि टमाटर जो है ना अच्छे से नरम भी हो जाए। और यहाँ पर अच्छे से इसकी बुनाई करने के बाद ना मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाया था। अच्छा, पालक जो थी वो मैंने डीफ्रोस्ट करने के लिए निकाली थी लेकिन उसको इतना टाइम नहीं मिला, वैसे भी ठंड हो गई है तो डीफ्रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो अच्छी सी डीफ्रोस्ट नहीं हुई थी। लेकिन ये कि मैंने उसको ऐसे ही ऐड कर दिया, वो खुद ही मेल्ट हो गई थी। तो यहाँ पे ना मैंने चिकन के साथ कलेजी भी ऐड कर दी थी यहाँ पे, उसकी बनाई मैंने कर ली थी। तो अब मैं उसको यहाँ पर निकाल लूँगी क्योंकि कलेजी जो है ना वो बिल्कुल टूट जाएगी, तो वो बिल्कुल ना सालन का कलर चेंज कर देती है। तो यहाँ पे मैं कलेजी के जो पीसेस थे वो मैं बीच में से निकाल रही थी। तो उसके बाद मैंने अच्छे से इसकी 1 दफ़ा बुनाई की है। टमाटर आप देख सकते हैं अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें इस पॉइंट पे ना पालक ऐड कर दूँगी जो मैंने डीफ्रोस्ट करने के लिए रखी हुई थी। अच्छी सी डीफ्रोस्ट तो वो नहीं हुई थी लेकिन ये कि वो अच्छे से जो है ना मेल्ट हो जाएगी जब इसको हीट मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि टमाटर जो है ना अच्छे से नरम हो जाए, क्योंकि टमाटर में भी थोड़ा सा फ़र्क था और चिकन ने भी थोड़ा सा गलना था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अच्छा, मेरा ये था कि मैं इस पॉइंट पे ना इसमें प्रेशर कुकर लगा दूँगी तो चिकन अच्छे से गल जाएगा, लेकिन जब पालक को मैंने देखा तो वो डीप रोस्ट बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो फिर मैंने उसको ऐसे ही ऐड कर दिया। मैंने प्रेशर कुकर नहीं चलाया क्योंकि जब पालक का भी पानी था तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम मिल जाएगा उसको, जितनी देर में चिकन की भुनाई होगी तो इतनी देर में ना चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया है पालक को कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि अच्छे से जो है ना ये चिकन भी गलना शुरू हो जाए और पालक भी मेल्ट हो जाए। तो इसके बाद क्या करना है कि मैंने आलू लिए थे साथ। आलू मैंने लिए हैं जी ऑलमोस्ट 3 to 4 लिए हैं, उनको मैंने पील ऑफ कर लिया है और ये मैं ऐड कर दूँगी। मोस्टली मैं लीज़ा के लिए डाल देती हूँ क्योंकि उसको पालक इतनी पसंद नहीं है, तो मैं उसको ना साथ आलू वगैरह के साथ रोटी खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना आलू वगैरह को छील लिया था मैंने, और अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसके पीसेस बना लूँगी। इस तरह से देखिए मैंने थोड़े से बड़े पीसेस इसके लिए, और उसके इसको अच्छी तरह से मैं धो के 1 दफ़ा फिर से, और फिर उसके बाद मैं जब अच्छे से पालक जो है ना मेल्ट हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये क्विक सी रेसिपी है, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी और ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मैं लॉन्ड्री डे में ना कोई क्विक रेसिपी ही रखती हूँ ताकि जो है ना मैंने दोनों काम आसानी से साथ साथ हो जाए, क्योंकि वॉशिंग वाला काम भी जो है ना वो सारा मेरा अपना ही होता है, अकेली ही मैं कर रही होती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए पालक अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी यहाँ पे, तो इसमें मैं अब आलू डाल दूँगी। तो जितनी देर में पालक की बुनाई होगी उतनी देर में आलू भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने ऐड करने के बाद अच्छे से इसकी करनी है मिक्सिंग, और उसके बाद मैंने इसमें एक चीज़ ऐड की थी और कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है। भर के मेथी डालने से ना पालक के जो सालन है उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मेथी डाली है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें भर के डाला है गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला पाउडर डाल के आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स, और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके आपने उसके बाद इसको कवर करके पकाना है कि जितनी देर में आलू हमारे अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मैं इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी और उसके बाद मैंने इसको कवर कर देना है। पालक को आपने अच्छे से भून लेना है जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए, अच्छे से भुन जाए, और तब तक आलू भी जो है ना हमारे डन हो जाएंगे। तो अब मैं इसको कवर करके पकाऊँगी। तो कुकिंग का काम ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बस इसने गलाना है इसको मैंने, और थोड़ा सा इसकी भुनाई होगी और ये मेरा खाना जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी यहाँ पे, और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है कि जितना कि ना इसको थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी इसकी। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से एक मिक्स दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे चिकन में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा था, और अभी आलू भी मतलब बिल्कुल डन नहीं थे, तो मैंने थोड़ी देर के लिए प्रेशर कुकर को चलाया था, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पालक चिकन जो है ना मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पे चावल जो थे जो लास्ट डे मैंने बनाए थे उसके साथ ना मैंने खाए हैं खुद से, और साथ पालक भी थी, और साथ अचार और मिक्स जो है ना मैंने सैलड बनाया है। और ये थी जी पालक चिकन की फ़ाइनल लुक। और अलीज़ा को भी मेरे साथ खाना खा रही थी, यहाँ पे मैं खा रही थी खाना। अच्छा, खाना खाने के बाद मैंने अलीज़ा को और आइजल को सुला दिया था दोनों को, और लॉन्ड्री में ना कुछ कपड़े खुश्क हो गए थे उनको मैंने संभाल लिया था, और कुछ कपड़े जो थे ना जो मैंने विंटर्स वगैरह के निकाले हुए थे उनको मैंने ना अपनी जगह पे सेट करके रखना था। तो यहाँ पे मैंने सारे जो विंटर्स के कपड़े थे ना जो मिड से विंटर के थे, मतलब ज़्यादा गर्म वाले नहीं, अभी मैंने दरमियाने से निकाले हैं सर्दियों वाले। तो वो मैंने ना धूप लगवाई है सबको कि उनको धूप लगवा लेनी चाहिए। अब मैं तो वैसे उनको अच्छी तरह से पैक करके ही रखती हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनको धूप लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि आप उसको थोड़े टाइम के लिए बंद करके रख देते हैं तो कपड़े अगर आप वॉश नहीं कर सकते हैं, इतने सारे कपड़े ज़ाहिर है सर्दियों के होते हैं, तो आप उनको धूप लगवा लें। तो मैं करती हूँ कि अगर मुझे लग रहा हो तो कुछ वॉश करने वाले मैं उनको धो लेती हूँ, वरना बाकियों को धूप लगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो थोड़े से लाइट विंटर के कपड़े थे या स्वेटर्स वगैरह थी उनको मैंने बच्चियों की धूप लगवाई थी, और उनको मैंने निकाल लिया था, लेकिन अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं दोबारा से ना उनको शॉपर्स में पैक करके रख दूँगी, तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो उनको मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं यही सारे काम कर रही थी, और उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह सेट करके अपनी जगह पे रख देने हैं, और यहीं पे करूँगी मैं अपने व्लॉग को भी एंड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।